नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोकुलपेट का अवैध बाजार साफ, पुलिस ने छुड़ाए 9 मवेशी, पकड़ा गया वाहन चोर। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार में। गोकुलपेट का अवैध बाजार साफ। नागपुर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देशों के अनुसार प्रवर्तन विभाग की ओर से लगातार अतिक्रमण उन्मूलन अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। प्रत्येक जोन में सैकड़ों अतिक्रमण हटाने के साथ ही जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बावजूद मुख्य रूप से बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण का सिलसिला जारी है। धर्मपेट जोन में लगातार कार्रवाई के बावजूद गोकुलपेट बाजार परिसर में अवैध बाजार लगने की भनक लगते ही शुक्रवार को दस्ते ने दस्तक दी। दोपहर तक चारों ओर बाजार सज गया था। दस्ते को देखते ही कुछ दुकानदार तो सामान बचाकर भाग खड़े हुए, लेकिन कई ने अस्थाई कब्जा कर लिया था। इनके खिलाफ कार्रवाई कर दस्ते ने पूरा अवैध बाजार साफ कर दिया। यहाँ तक कि पुनः बाजार ना लगे इसके लिए बैरिगेट लगा दिए है। यहाँ से कुल 62 अतिक्रमणों का सफाया किया गया है। शुक्रवार को दस्ते ने अलग अलग जोन से कुल 370 अतिक्रमण साफ किए, साथ ही 8,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया है। तो वही दूसरी ओर पुलिस ने छुड़ाए 9 मवेशी। नागपुर यशोधरा नगर पुलिस ने बुचट खाने ले जा रहे गोशीय प्रजाति के मवेशियों से भरी गाड़ी को पकड़कर 9 मवेशियों को जीवनदान दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस को देख आरोपी वाहन चालक गाड़ी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बुधवार को यशोधरा नगर पुलिस कर्मचारी वरिष्ठ के आदेश पर रात के समय पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस बीच पुलिस को खबर मिली कि एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप गाड़ी में कुछ मवेशी बुचट खाने ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ऑटोमोटिव चौक पर नाकाबंदी कर गाड़ी का इंतजार कर रही थी। तो वही तीसरी ओर पकड़ा गया वाहन चोर। नागपुर शांति नगर परिसर में पिछले कुछ दिनों से वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ने से लोगों में दहशत फैली हुई है। बुधवार को पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध अवस्था में युवक मिला। पूछताछ में युवक द्वारा विभिन्न स्थानों से 3 वाहन चुराने की बात सामने आई। पुलिस ने गिरफ्तार कर उससे चोरी की 3 वाहन भी बरामद कर लिए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 मार्च को फरियादी पीयूष अशोक केजरीवाल लालगंज बराईपुरा निवासी की डीओ गाड़ी घर के सामने से किसी ने चुरा ली थी। पीयूष ने इसकी शिकायत शांति नगर पुलिस थाने में की थी। 10 मार्च को पुलिस जब पेट्रोलिंग कर रही थी तब करण प्रकाश जाधव नयापुरा रत्नेश्वर मंदिर निवासी नामक युवक संदिग्ध अवस्था में घूमता नजर आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने शहर के अलग अलग स्थानों से गाड़ियां चुराने की बात कबूल की। पुलिस ने उसके पास से होंडा कंपनी के डीओ, एक्टिवा और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद कर ली। यह कार्रवाई जोन 3 पुलिस उपायुक्त लाहित मतानी, सहायक पुलिस आयुक्त सचिन धोरेवार के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जी.जे. जामदार, मपुनी ए.पी. जयपुरकर, अरुण बाकल, अब्दुल वकील शेख, विनोद समदुरे, प्रवीण जाधव, आशीष निकोसे आदि ने की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।